वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल बी यूनिक। तो आज जो ड्रेस डिजाइनिंग है वो बहुत ही मजे की ड्रेस डिजाइनिंग है। ये शादी के रिलेटेड ही है, ये मेहंदी का ड्रेस आप बना सकते हैं। तो चले मैं आपको जो इसकी डिटेल है प्रॉपर हर चीज आपको डिटेल में बताऊंगी, आप किस तरह से बना सकते हैं और कहाँ से ले सकते हैं। तो आप वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी। और इसके अलावा अगर आप किसी इवेंट या शादी के लिए ड्रेस डिजाइनिंग ढूंढ रहे हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोज भी विजिट करें और ये वाली वीडियो भी पूरी देखें, आपको बहुत से आइडियाज मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और उसी बात ये, अगर ये वाला ड्रेसेस आप हमसे बनवाना चाहें तो हम आपको बनाकर भी दे सकते हैं, किसी भी कलर में, किसी भी साइज में, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो हम उसके अकॉर्डिंग आपको बनाकर दे देंगे। सबसे पहले आप ड्रेस देखें, उसका काम देखें, उसकी नीटनेस देखें और उसकी क्वालिटी देखें, उसके अकॉर्डिंग आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो भी फुल देखिएगा, बहुत ही प्यारे ड्रेसेस हैं और यूनिक स्टाइल्स हैं। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये सबसे पहले हम मेहंदी का जो ड्रेस मैंने आपको बताया वो देख लेते हैं। मेहंदी का भी जो ड्रेस हमने बनाया है वो प्रॉपर मेहंदी के जो कलर्स होते हैं पिंक, ऑरेंज, येलो, उस टाइप के कलर्स हमने यूज़ नहीं किए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कह लो पुराना डिज़ाइन हो गया है। आप न्यू कलर्स लिया करें ताकि बहुत डिफरेंट और ब्यूटीफुल लगे आपका ड्रेस और न्यू डिज़ाइन हुआ लगे। अगर आप पुराने ही कलर्स दोबारा यूज़ करेंगे तो वैसे ही लगेगा कोई पुरानी सी चीज़ है, उसकी लुक भी पुरानी ही आएगी। तो ये देखें जी, ये सबसे पहले ये जो कपड़ा है ये ऑर्गेन्जा पे ये जमा हुआ है, ये मार्केट में न्यू कपड़ा आया है, फुल इसी कपड़े का बनाया है। इस कपड़े को टोटल आपने 5 मीटर्स लेना है, 5 गज इस कपड़े को लें, उसमें ये गरारा तैयार किया गया है। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारा ये कपड़ा है, आजकल बहुत इन है। आपने और भी डिज़ाइंस ये इंटरनेट पे देखे होंगे, ये कपड़ा आजकल बहुत इन है, इसमें डिफरेंट डिजाइनिंग है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 5 मीटर टोटल कपड़ा लेगा है इस गरारे को। अब जो आपने गरारे का इनर लेना है वो भी फ्लेयर में ही लेना है। ये देखें, ये हमारा इसका इनर है, सिंपल जो इनर आपको मार्केट में मिल जाएगा वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। सेम कलर का इनर लिया है और उसके बाद ही हमने ऊपर ये कपड़ा लगाया है। अगर आप कम फ्लेयर रखेंगे नीचे वाले इनर का तो वो ऊपर से ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है वो अलग ही नजर आएगा और थोड़ा सा लुक जो है अजीब आ जाएगी। तो इतना सा इनर आप लें कि नीचे उसको हल्की सी चुनट आ जाए। तो ये देखें जी, ये हमने सिंपल एक लप्पा जो होता है बहुत इन है ये मार्केट में, कहीं से भी, या मे भी आपने पुराने जो ड्रेसेस होते हैं बहुत पहले पे ये बहुत चलता था और अब इसका ट्रेंड दोबारा आ गया, सिंपल हमने ये लप्पा लगाया है और ये एक गोटे की ही लैस है वो लगाई है। ये हाथ से लगाई है, ये हमने मशीन से ही लगाया है, पूरी फ्लेयर पे आगे वाली साइड पे भी और पीछे वाली साइड पे भी हमने इसको लगाया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हैं तो ले सकती हैं, नहीं तो आप इसको अगर हमसे बनवाना चाहती हैं किसी भी कलर पर तो आप हमसे भी बनवा सकते हैं। तो ये जी इस गरारे की जो है शर्ट है, ये बहुत कॉमन सा कंट्रास्ट हमने नहीं लिया, ये ग्रीन कलर चले हम मेहंदी के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हमने लिया है। और ये जो कलर है ये बहुत लाइट है, स्किन सा कलर है, स्किन ऑफ वाइट कलर है मिक्स में, तो ये लिया है हमने। जो शर्ट है ये एक अलग पूरा ड्रेस था, जैसे एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस होते हैं डिजाइनर ड्रेसेस, मैंने सिर्फ उसकी शर्ट यूज की है और उसके साथ गरारा और दुपट्टा जो है वो मैंने चेंज कर लिया है। उसको भी मैंने सारा जो ये वाला वर्क है यहाँ पे आपको नजर आया वो मैंने खुद किया है। इसके अलावा अगर आप गरारे के साथ मेरे से शर्ट भी बाय करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन डिफरेंट डिजाइन में मिलेगी। आज कुछ इस तरह से है, इस पे भी एम्ब्रॉयडरी है और ये आगे तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी है और ये मैंने पाइपिंग की है सिंपल गोल्डन कलर से, जो है पाइपिंग है, हमने हैदराबादी स्टाइल में बनाया है। आप देख सकते हैं ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, इसमें ये गोटे की पत्तियां हैं, स्टोन्स हैं। इसको अगर आप अपने एक तरीके से यूज करेंगे तो वो बहुत प्यारी लगेगी और आप उसको फैंसी लुक दे सकते हैं। ये जैसे एक एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी, मैंने उसको फैंसी लुक दे दी है काम वाली। तो ये देखे जी, ये इसके यहाँ तक मैंने इसका काम खुद किया है, ये वाला सारा वर्क। उसके बाद ये मोटिव्स थे शर्ट पे ऑलरेडी बने हुए थे और इस पे ये सारा पर्ल का काम हुआ है और ये पहले ही शर्ट पे बना हुआ था, मैंने इस काम को नहीं किया, ये ऑलरेडी हुआ हुआ था। उसके बाद इस गोटे के फूल भी यहाँ पे भी मैंने खुद अटैच किए हैं और उसके बाद ये मैंने एक ये लटकन वाली लैस जो है ना वो खुद यूज की है,
वो भी मार्केट में मिल जाती है, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। जो ये रेशमी ड्रेसेस होते हैं शादी पे पहनने वाले, वो थोड़े एक्सपेंसिव भी बनते हैं। इसमें ये जो सारा गोटा यूज किया गया है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। एक दो क्वालिटी के गोटे आते हैं, एक जरा नॉर्मल होता है और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये अच्छी क्वालिटी का है। और ये देखें जी, इस पे ये बिल्कुल कितनी साथ साथ ये बनी हुई है। ये लैस देखें, बहुत ही खूबसूरत है। ये देख लें आप, ये लैस है, इसकी लैस मैंने ऊपर अटैच कर दिया और ये नीचे से इस तरह से बस नजर आ रहे हैं। ये पहनने में बहुत खूबसूरत लगती है। साइड पे भी यही लैस अटैच की गई है। इसकी बैक साइड सारी सिंपल है और इसमें सिर्फ ये एक बॉर्डर है। ठीक है जी, आप इंस्टाग्राम पर भी पिक्चर्स देख सकते हैं। तो चलें अब हम अपना नेक्स्ट ड्रेस देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट ड्रेस है, ये पिंक कलर है और डार्क भी नहीं है और बहुत लाइट भी नहीं है, नॉर्मल सा कलर है। तो सबसे पहले इसका ट्राउजर देख लें, फिटिंग वाला ट्राउजर है। ये भी रॉ सिल्क कतान कपड़ा है और ये इसका ट्राउजर है, बिल्कुल सिंपल। अब इसका दुपट्टा देख लें, ये इसका मैं आपको सारा इनर का जो ड्रेस है वो शो कर रही हूँ। इसका दुपट्टा इस तरह से है, सिंपल सा ही है बिल्कुल, थोड़ी सी ये डिजाइनिंग है बस। ये गाउन है, गाउन के इनर जो हमारा होता है वो ज्यादातर फुल लेंथ में, जितना आपका गाउन होता है उसी लेंथ में होता है, और उसी लेंथ में होता है। या तो वो शर्ट होती है नीचे से, या तो वो एक कुर्ता स्टाइल में हो जाता है। तो ये हमने इसको डिफरेंट लुक इसकी रखी है। हमने इसके जो इनर गाउन के नीचे बनाया है वो शॉर्ट फ्रॉक है, बिल्कुल शॉर्ट है ये फ्रॉक, और ये फ्रॉक में है, ये शर्ट डिजाइन में नहीं है। तो ये जी इसकी बैक देख लें, प्रॉपर सारी बैक जो है वो सारी प्लेट्स वाली है, फुल जो बॉडी के नीचे वाला हिस्सा है वो फुल प्लेट्स में है। जैसे हमने फ्रंट साइड पे इतना हिस्सा जो था हमारा वो हमने सिंपल रखा था। ठीक है जी, ये पाइपिंग की है हमने और उसके बाद फिर इसमें वो लटकन वाली लैस अटैच की है। ये थोड़ी छोटी है, जो हमने स्किन कलर पर ड्रेस पे लगाई है वो लंबी है इतनी, और ये ज़रा छोटी बनाई है हमने। ठीक है जी, तो ये जी उस फ्रॉक के ऊपर गाउन है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया वो बिल्कुल शॉर्ट फ्रॉक है, आपकी नीज से ऊपर आएगा वो। तो ये जो फुल हमारा ये गाउन जो है, ये काम वाला गाउन है, इसकी ये सारी जो है ये पाइपिंग की गई है सिल्वर कलर से, क्योंकि इस पे सिल्वर और गोल्डन मिक्स वर्क है। आप देखें इस पे ये क्रिस्टल के काम है और ये सारा स्टोन वर्क है, सारा वर्क इस पे किया गया है। और आजकल जो वर्क हमारा चल रहा है वो मोटा वर्क चल रहा है, तो इस पे सारा जो काम है वो मोटा ही हुआ है। जैसे ये फ्लावर्स देख रहे हैं, ये क्रिस्टल्स के फ्लावर्स हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं लगा हुआ। और एक होता है नॉर्मल वर्क जो इस तरह से किया जाता है, ये वाला कुछ, ये वाला वर्क जो पहले किया जाता था, लेकिन अब जो वर्क चल रहा है मार्केट में वो क्रिस्टल का काम चल रहा है, पर्ल्स का चल रहा है, थोड़ा मोटा जो वर्क होता है ना वो चल रहा है। जैसे ये वाला बीड है, ये थोड़ा मोटा नज़र आ रहा है ना, इस तरह से वर्क चल रहा है। तो ये हमने अपना खुद डिज़ाइन जो है इसको रेडी करवाया है, सेल्फ मेड है ये, किसी की हमने कॉपी नहीं की है, हमारा खुद का डिज़ाइन है, हमने इसको खुद रेडी करवाया है। अब आप देखें इसके साथ हमने यहाँ हुक्स अटैच किए हैं और उसके बाद ये गोल गला है हमारा सिंपल, और उधर भी पाइपिंग की गई है। और ये देखें सारे गले के साथ साथ ये वाली बेल है, बहुत ही खूबसूरत ये गाउन है। अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं, ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है। और इसके साथ एक चीज़ और है, वो इस तरह से है, ये बेल्ट हमने बनाई है इसके साथ। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, जब आप ड्रेस पहन लेते हैं आप ये बेल्ट लगा सकते हैं, या तो आप फ्रॉक के ऊपर लगा सकते हैं गाउन के नीचे से, या तो आप गाउन के ऊपर से भी लगा सकते हैं। ये एक अलग लुक देती है और ये डिफरेंट लगती है, एक न्यू डिज़ाइन है, मार्केट में भी ये आया है बेल्ट वाला डिज़ाइन, एक आप देख सकते हैं जाकर। और उसके बाद ही जो इसको टिच बटन लगाया गया है, इसको देख लें, सारी इस तरह से स्टिच किया गया है कि ये बिल्कुल भी कहीं से लग ही नहीं रही कि इसकी सिलाई कोई बाहर है, मतलब इसको सारा गुम सिलाई में स्टिच किया गया है। ये देख लें इस पर भी सारा क्रिस्टल का काम है, कटका है, मोती है और ये चेन वाली लैस है। तो ये हमारी जो ड्रेस की डिज़ाइन है, इसको आप अगर खुद बनवाना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद भी बनवा सकती हैं। आप अगर मार्केट से इस तरह के ड्रेसेस की पिक्चर लेने जाएं तो आपको दुकानदार कोई पिक्चर नहीं लेने देते, क्योंकि वो कहते हैं ये हमारा डिज़ाइन है, हमसे रेडी करवाएं। तो आप अगर रेडी करना चाहती हैं खुद तो पिक्चर ले सकती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसकी प्रॉपर लुक है पूरी, इसकी फ्लेयर भी देख लें आप, और ये इसकी एक लुक है प्रॉपर।
उसके अलावा आप ये सारे ड्रेसेस देखें जो मैंने आपको शादी की वीडियोस बना बना कर दिखाई हैं, मेरे चैनल पे और वीडियोस भी अवेलेबल हैं। ये कितनी नीटनेस से बनाए गए हैं, स्टिचिंग इसकी कितनी नीट बनाई गई है, आप ये सारी चीज़ें नोट किया करें। और अगर आपकी स्टिचिंग नीट होगी तो आपका ड्रेस नीट लगेगा और खूबसूरत लगेगा। तो इसको मैं आपको हैंग करके भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ, तो चले हम हैंग करके देखते हैं। ये देखें, ये इसका बॉर्डर है, इसकी एक दफ़ा खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले इसको ऊपर से देख लें इस तरह से, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। वेयर किया हुआ कि जब इसका फ्रॉक शॉर्ट होता है और ये लेंथ में होता है आपका गाउन, बहुत ही प्यारा लगता है। चलें एक दफ़ा फ्लेयर खोल लेते हैं हम। ये देख लें जी, इसका फ्लेयर है और ये ऊपर से इसका ड्रेस, ये बेल्ट लगा के मैंने आपको दिखा दिया। ये आप गरारे की शर्ट देख लें, इस तरह से इसकी लुक है। इसका मैंने हैंग कर लिया है, फुल शर्ट है ये। ये शॉर्ट शर्ट बनाई है क्योंकि गरारे के साथ शॉर्ट शर्ट ही सही रहती है और ज़रा शॉर्ट ही होनी चाहिए। तो चलें अब मैं आपको गरारा शो कर देती हूँ। ये इसका गरारा है, ये इसकी प्रॉपर फुल लुक है। अगर आपको फुल पिक देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।